हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू फैक्ट्स। बात करने वाले हैं रशिया की लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि रशिया का जो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट है वो कल मून पे क्रैश लैंडिंग कर। रशिया की स्पेस एजेंसी रोस्कॉस्मोस ने 1976 के बाद से अभी तक कोई एक भी मून मिशन नहीं किया, मतलब उन्होंने एक भी स्पेसक्राफ्ट 1976 के बाद से मून पे अभी तक सेंड नहीं किया है। उनका जो लास्ट सैटेलाइट मून पे गया था उसका नाम लूना 24 था। रशिया ने 47 इयर्स बाद मून पर सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम लूना 25 था, जो कि 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया था। एक्चुअल में लूना 25 21 अगस्त को मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, बट वो सेफली लैंडिंग नहीं कर पाया और मून पे क्रैश हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोस्कॉस्मोस और स्पेसक्राफ्ट के बीच में जो कनेक्शन था उसमें ग्लिच आ गया था, मतलब कि जो रोस्कॉस्मोस और स्पेसक्राफ्ट का कनेक्शन था वो लॉस्ट हो चुका था। सी, जब भी हम किसी स्पेसक्राफ्ट को अर्थ से मून पे भेजते हैं तो डायरेक्टली अर्थ से मून पे लैंडिंग नहीं करता, वो अर्थ से जाने के मतलब अर्थ के जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे निकलने के बाद मून के ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर ऊपर पहले राउंड करेगा उसके लेंथ में, फिर धीमे धीमे मून से अपना लेंथ कम करते हुए वो नीचे जाएगा, मतलब कि वो अपना डिस्टेंस कम करते हुए। तो स्पेसक्राफ्ट को टेक्निकली ऑपरेट करके धीमे धीमे मतलब लाइक वन डे में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस उसको कम करना रहता है। तो ऐसे ही रोस्कॉस्मोस में जो टेक्निकल ग्लिच आया था जिसकी वजह से वो लोग डिस्टेंस कम करते वक्त शायद उनका डिस्टेंस जो था वो ज़्यादा कम हो गया, इसी वजह से रोस्कॉस्मोस का जो स्पेसक्राफ्ट था वो डायरेक्टली मून पे क्रैश लैंडिंग कर गया।